कपास मूंगफली में ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, परहैप्स गुजरात में और जिन जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती भी नहीं थी वहां पर भी ईल्ड की प्रॉब्लम्स और जैसे आपने कहा रूट्स पे फंगस लगने के इश्यूज भी यहां पर नजर आए हैं। बात क्योंकि हमने कपास की यहां पर की है तो मनीष जी आप कैसे देखते हैं, आपके पास क्या लेटेस्ट है, क्योंकि जो कुछ हमारे रिपोर्टर्स हमें गुजरात और राजस्थान से भेज रहे हैं वो कोई बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है। जी जी मनीषा जी, बिकॉज बारिश और खेती का बहुत गहरा नाता रहा है। पहली बारिश देखते ही किसान के मुंह पे जो मुस्कान आती है वो देखने लायक होती है, लेकिन ऐसी बारिश देख के जो आह निकल रही है वो बिल्कुल देखने जैसी नहीं है। मैं अभी दौरा करके आया हूँ महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना का, वहाँ भी हालत ऐसे है और जो गुजरात में हमने किसानों से कल भी बात की आज भी बात की तो बोला जाने जैसा तो नहीं है, लेकिन अगर ये बारिश नहीं रुकी और पानी दो चार दिनों में नहीं निकला तो कुछ बचाने जैसा भी नहीं रहेगा। ऐसी हालत बहुत से एरिया में हो गई और खास करके राजकोट आसपास के एरिया में, जो कपास का मुख्य एरिया जो 23 लाख हेक्टर में गुजरात में खेती होती है, तो बहुत सी अच्छी खासी खेती और 30-40% क्रॉप इस सेंट्रल गुजरात और नॉर्थ गुजरात के बीच के एरिया से आता है। इस एरिया में बहुत ज्यादा नुकसान है एंड इट इज रियली अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। मनीष जी, अभी आई नो जैसे आपने कहा 2-3 दिनों में अगर पानी निकल जाता है तो फिर तो शायद यहाँ पर कुछ बचेगा, लेकिन अगर ये मान के चले और जैसा कि IMD की तरफ से आया भी है कि अगले हफ्ते एक और स्पेल यहाँ पर बारिश का आने वाला है, अगर ये पानी 2-3 दिन में निकल जाता है अगले हफ्ते फिर से बारिश होती है, क्या एक असेसमेंट आप लोगों ने करना शुरू किया है कि किस तरह का नुकसान हम देख सकते हैं ओवरऑल तरीके से? जी जी, सबसे पहला नुकसान ये होगा कि ग्रोथ स्टंटेड हो गया है, स्टैग्नेशन हो गया है, क्रॉप जिस हालत में है ना उस हालत पे रुक गई है, बिकॉज बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो प्लांट को कुछ फूड इनपुट नहीं है, तो उसी स्टेज पे रुके हैं। ये बहुत डेंजरस होता है, मतलब रोगों के लिए सबसे पहला घर यहाँ से बनता है कि प्लांट का ग्रोथ रुक जाए। दूसरा है कि पानी का रहना, स्टैग्नेंट वाटर बहुत सारे पेस्ट और डिजीजेस को लेके आता है, और तीसरा जो है कि रूट फॉर्मेशन, जो रूट पूरी तरह जड़ अभी तक पूरे डेवलप नहीं हुए हैं वो अभी आगे होंगे भी नहीं, बिकॉज इतना सारा पानी भरा है तो निकलते निकलते और मॉइस्चर लेवल सॉइल से कम होते होते बहुत समय लगेगा, तो हम डिलेड क्रॉप भी देख सकते हैं और डैमेज क्रॉप भी देख सकते हैं। तो डिलेड क्रॉप तो मान के चले और डैमेज में आपको क्या लगता है, क्योंकि कपास की तो बुआई ही कम हुई थी तो 10%, 15%, 20% कितनी कम क्रॉप सोच के चले फिलहाल? As of now, तो आप 10% तो मिनिमम कम मान के चलिए इस हालत। ओके, अंकित नमस्कार। और ये मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव टेंपो वेरी है। I can understand, of course, काफी आपको क्या लगता है मनीष, बिकॉज काफी हद तक हमने देखा था कि कॉटन के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी, क्या ये एक जरिया होगा कि भाव बढ़ेंगे? जी जी, ये पक्का एक ट्रिगर हो सकता है, बिकॉज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से डिमांड बहुत सब्ड्यूड थी और सब उम्मीद कर रहे थे दिवाली के बाद आएगी, लेकिन अगर सप्लाई सिचुएशन ही चैलेंजिंग हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ से भाव गिरना तो अरेस्ट हो ही जाएंगे, तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ती है।